आईपीएल के 13 सीजन में अब तक कई शानदार और दिलचस्प रिकॉर्ड बने हैं, जबकि एक रिकॉर्ड ऐसा है जो आज तक आईपीएल में नहीं बन पाया है। दरअसल हम एक ओवर में 6 छक्कों की बात कर रहे हैं। आईपीएल इतिहास का कोई भी खिलाड़ी लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के नहीं लगा पाया है, जबकि आज हम आपको 5 ऐसे नाम बताने जा रहे हैं जो आईपीएल 2020 में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगा सकते हैं। नंबर 1, शिवम दुबे। शिवम दुबे एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। आईपीएल 2019 की नीलामी में उन्हें आरसीबी की टीम ने 5 करोड़ की मोटी रकम में खरीदा था। उन्होंने 2019 आईपीएल में कुल 5 मैच आरसीबी के लिए खेले थे, जबकि वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आईपीएल 2020 में वो धूम मचा सकते हैं। शिवम दुबे ने मुंबई लीग 2018 में प्रवीण तांबे को 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2018-2019 में बड़ौदा के खिलाफ भी 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगा चुके हैं। उनके पास काबिलियत है कि वो आईपीएल 2020 में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगा सकते हैं। नंबर 2, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के छक्के लगाने की काबिलियत को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि वो 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगा सकते हैं। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज इमाद वसीम और शादाब खान को लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जाम्पा को भी उन्होंने साल 2017 में लगातार 3 छक्के लगाए हुए हैं। फरवरी 2019 में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के टूड एस्टर को लगातार 3 छक्के लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि टेस्ट मैचों में भी वो श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज मिलिंदा पुष्पा कुमार को लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं। अगर वो लगातार 3 छक्के लगा सकते हैं तो वो 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगा सकते हैं। नंबर 3, आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल आईपीएल 2019 में शानदार प्रदर्शन किए थे। उन्होंने 56.66 के शानदार औसत से पिछले सीजन में कुल 510 रन बनाए थे। वहीं उन्होंने 11 विकेट भी अपनी टीम के लिए हासिल किए थे। आंद्रे रसेल ने आईपीएल के अब तक 64 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 33.33 की औसत और 186.41 के स्ट्राइक रेट से 1400 रन बनाए हुए हैं। आंद्रे रसेल ने अपने 64 मैच के आईपीएल कैरियर में 27.96 के औसत से 55 विकेट लिए हुए हैं। आंद्रे रसेल को आईपीएल का सबसे अच्छा ऑलराउंडर माना जाता है। वो पिछले सीजन छक्के लगाने के मामले में टॉप पर थे, इसलिए उनके पास पूरी काबिलियत है कि वो 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगा सकते हैं। नंबर 4, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स आईपीएल के 154 मैचों में 39.95 की शानदार औसत से कुल 4395 रन बनाए हुए हैं। उन्होंने आईपीएल में 33 अर्धशतक और 3 शतक भी लगाए हुए हैं। साथ ही कुल 212 छक्के वो आईपीएल में लगा चुके हैं। वो क्रिस गेल के बाद आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। ऐसे में वो भी आईपीएल में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने का कारनामा कर सकते हैं। आरसीबी की टीम को आईपीएल 2020 में अपने इस स्टार खिलाड़ी से काफ़ी उम्मीदें होंगी। आरसीबी की टीम डिविलियर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। उनके लंबे लंबे छक्कों की टीम को काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 5, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिस तरह का वर्तमान फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके लिए आईपीएल 2020 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही पहले से कई गुना ज़्यादा अब छक्के लगाने लगे हैं। अगर आईपीएल 2020 में रोहित शर्मा 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाते हैं तो ये दर्शकों के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी। बता दें कि आईपीएल 2020 में रोहित शर्मा के कंधों पर मुंबई इंडियंस को 5वीं बार चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी होगी। वो आईपीएल के सबसे सफलतम कप्तान भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बल्लेबाज जो आईपीएल 2020 में एक ओवर में 6 छक्के लगा सकते हैं। इन खिलाड़ियों के बारे में आपका क्या कहना है कि इन 5 खिलाड़ियों में से आपको क्या लगता है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो कि 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा सकते हैं? आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।